नमस्कार दर्शकों मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर कोलकाता के आजिकर रेप और हत्याकांड के मसले पर बंगाल देश का नया कुरुक्षेत्र बन है बनना चलो अभियान यानी पश्चिम बंगाल सरकार के पावर सेंटर वहां के सचिवालय भवन तक आज मार्च निकालने की कोशिश को ममता सरकार ताकत से कुचलती दिखी लाठीचार्ज पानी की बौछारें आंसू गैस और यहां तक कि कंटेनर से प्रदर्शनकारियों को रोका गया ये कंटेनर्स लगभग वैसे ही थे जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान के विरोध मार्च को रोकने की कोशिश में इस्तेमाल किए गए थे आरजीकार रेप और हत्याकांड के विरोध में नबन्ना चलो अभियान छात्रों के एक समूह का है लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस के नेता इस प्रदर्शन को बंगाल में विद्रोह और अस्थिरता फैलाने का षड्यंत्र बता रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद सायुनी घोष ने सोशल मीडिया पर आज की कुछ तस्वीरें पोस्ट करके लिखा गुंडों जैसे दिखते हैं मुश्किल से कोई महिला दिखी अधिकतम चार से पांच राष्ट्रीय झंडे पानी की ठंडी बौछारों के बीच पिकनिक जैसा विरोध पिकनिक जैसा विरोध एक डॉक्टर की हत्या और रेप हुआ है जिसके लिए ये विरोध है पिकनिक जैसा विरोध सायोनी घोष ने इसी पोस्ट में मीडिया के लिए भी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करके ये कहने की कोशिश की कि आंसू गैस की तस्वीरों पर बुलेट साउंड का इस्तेमाल करके इसे गन फायर दिखाने की कोशिश हुई अरे भैया आप खुद देख लीजिए नेचुरल साउंड जो आ रहा था वो लाइव टेलीकास्ट में आगे हम बुलेट की साउंड कहाँ से पैदा करेंगे मैडम जी लेकिन नहीं आरोप है तो है सांसद महुआ मोइत्रा का बयान था नहीं लाशें नहीं गिरी बीजेपी और गोदी मीडिया आपकी इच्छाओं को निराश करने के लिए सॉरी यह आम लोगों का मार्च नहीं छात्र महिलाएं शायद कोई गुंडों के कुछ झुंड पुलिस पर पथराव करते हुए और उन्हें कार्रवाई के लिए उकसाते हुए दिखे ये महुआ मोहित्रा कह रही आपने ये बयान सुने अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए प्रदर्शनकारी महिलाएं घसीटी जा रही थी और विरोध के लिए इस बुजुर्ग चेहरे को भी देखिए। सवाल पब्लिक का यही है कि क्या आरजी के खिलाफ आक्रोश को दबाने के लिए ममता बैनर्जी की पार्टी हदें लांग रही है नबन्ना चलो अभियान में कौन गुंडा था ममता की पुलिस के पास क्या इसका कोई ठोस जवाब है और क्या आरजी जी कांड कोई फेक मुद्दा है जिसे लेकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है बीजेपी ने नबरना चलो अभियान के खिलाफ ममता सरकार के पुलिस एक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी है क्या ममता बैनर्जी आरजी कर मामले पर बंगाल और देश का गुस्सा समझने में भूल कर रही हैं? क्या आक्रोश को गुंडागर्दी बताकर कुचलने की कोशिश ममता सरकार पर बैकफायर करेगी सवाल पब्लिक का आज यही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ आज जूही सिंह जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ आज कमरुजमा चौधरी साहब हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और जो कोलकाता में आज ये सारे आक्रोश विद्रोह देख रहे हैं कमरू जबान चौधरी सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज का ये जो अभियान था नबरना चलो क्या ये गुंडों का अभियान था या वहां के स्टूडेंट्स बॉडीज का अभियान था पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसे गुंडों का अभियान बता रहे देखिए नाविका जी सबसे सब पहले तो ये बता दूं कि बंगाल में क्या पूरा देश भर में पूरा विश्व में जो घटना में हुआ उसका खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है लेकिन आज का जो प्रोग्राम था वो दरअसल एक बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बुलाया हुआ बंद है ये तो पर्दाफाश हो चुका था परसों रोज को ही क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर थे वो ना तो कोई स्टूडेंट बॉडी से बिलोंग करते थे वो एकदम सक्रिय कर्मी थे बीजेपी आरएसएस के ये तो बात एक तरफ से सच दूसरी बात यह है जहां एक पीड़ित के लिए जो एक था उसके लिए जिस तरह से आंदोलन में पूरा बंगाल एकजुट होकर लड़ाई कर रही है वहीं पे शर्मनाक तरीका से बीजेपी और आरएसएस इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे थे आज ममता बनर्जी का बहुत सारे गलतियां हैं इस मैटर को लेकर इसमें कोई दोहरा ही नहीं है लेकिन जिस तरह से आज का आंदोलन हुआ एक अस्सी साल का साधु तांत्रिक साधु को अब वीडियो वायरल हुआ होगा वाटर कमांड का सामने में खड़ा है उसका सच ये है कि वो आरएसएस का सक्रिय कर्मी है आज जिस तरह से एक ट्रैफिक पुलिस वाला को पकड़ कर बीजेपी और आरएसएस के लोग जैसे पीट पीट के जा रहे थे जिस तरह से कॉलेज स्ट्रीट में एमजी रोड में जिस तरह से पुलिस के ऊपर पथराव हो रहे थे मैं तो वीडियो देख रहा था न्यूज में बंगला चैनल का और यही सोच रहा था कि ये सिचुएशन अगर उत्तर प्रदेश में होता या मध्य प्रदेश में होता तो अब तक जो है सुधांशु जी का बुलडोजर अब तक उसके घरों में चल चुके होते लेकिन ये एनआर जिस तरह से फैलाया गया आज ये हम बंगाल के लोग नहीं चाहते हम विरोध है हम ममता बनर्जी का विरोध करते हैं बहुत जोर विरोध कर रहे हैं और लेकिन इस तरह का एनआर हम कटे ही नहीं चाहते दूसरी बात देखिए किस तरह से राजनीतिकरण कर रहे आज एक तरफ जिस तरह से अपना कैडर स्ट्रेंथ को बुला दिया रास्ता में पूरा हो गया जी इंसाफ की लड़ाई है या राजनीति की लड़ाई है सवाल आज सवाल पब्लिक का शो पर उठाया गया है जवाब दीजिए देखिए इंसाफ की लड़ाई और गुंडागर्दी दोनों का जवाब देता हूं नाविका जी अगर तृणमूल कांग्रेस के सरकार के मंत्री मिस्टर गुहा ये कहते हैं कि जो उंगली आंदोलनकारियों के लिए उंगली अगर ममता बनर्जी की तरफ उड़ेगी तो उंगली तोड़ दी जाएगी नहीं ये तो शांति की सौहार्द की भाषा है इसमें कौन सी ऐसी बात है यदि अरूप चक्रवर्ती उनके सांसद ये कहते हैं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं ये जो आंदोलनकारी हैं अगर ये बाज नहीं आए तो इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा नहीं ये तो शांति की बात है गुंडागर्दी की बात थोड़ी है उसके बाद रात के अंधेरे में जिस ढंग से भीड़ घुसती है और वहां के कर्मचारियों ने साफ ये बात कही तस्दीक की कि वो लोग उस सेमिनार हॉल को ढूंढ रहे थे वहां पे जाके तोड़फोड़ कर रहे थे वो गुंडागर्दी थोड़ी थी वो तो सब कुछ शांति के हिसाब से चल रहा था और पहले ही गिनाया जा चुका है इस सरकार की क्या संवेदनशीलता थी जब ममता जी वहां मुख्यमंत्री भी हैं और विभागीय मंत्री भी हैं है। पहले सुसाइड बताया जाता है उसके बाद बच्ची के मां बाप को घंटों घंटों तक रोका जाता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर रात को ग्यारह पैंतालीस पे दर्ज की जाती है जबकि बॉडी हैंड कर दी गई उसके बाद उसके बाद चौथा क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है सील नहीं किया जाता है उसके बाद उसका प्रोटेक्शन नहीं किया जाता है उसके बाद को वेंडलाइज किया जाता है और उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाता है वो कहती हैं मुझे दस दिन का समय चाहिए अगले रविवार तक अगर मौका मिला और नहीं कुछ कर पाए तो हम करेंगे सबको साफ समझ में आता है और सबसे ऊपर उस प्रिंसिपल को तुरंत दूसरी जगह बना दिया जाता है प्रिंसिपल जिसकी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में निंदा की इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाता है और अभी कमरुज चौधरी साहब बोल रहे थे वो ये कहने में लगे हैं कि आंदोलनकारी बीजेपी आर से जुड़े हैं तो ये कहते हुए आप अपने आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट का आंदोलन से कोई मतलब नहीं भले ही ममता बनर्जी डिक्टेटर है अधीर रंजन चौधरी ने कहा जो पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष थे यही मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप जब यह कह रहे हैं तो आप बताइए आपके का आप का का। आप 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 का आप क्या है कि सब दिल्ली में मिले हुए हैं ये तृणमूल कांग्रेस का सर्वोच्च न्यायालय में वकील कौन है कपिल सिब्बल ये राज्यसभा सदस्य हैं कैसे राज्यसभा सदस्य है यह समाजवादी पार्टी के समर्थन से आए हुए उत्तर प्रदेश से सपा समर्थन से आए हुए राज्यसभा के सदस्य और ये कौन है कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री मैं पुनः कह रहा हूं दर्शकों सुनिए कि कांग्रेस का लंबे समय तक सरकार में मंत्री रहे कपिल सिब्बल जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में पहुंचे हैं जो अलगाववादियों और आतंकवादियों केसेस केसे को डिफेंड करने के लिए आ, कुख्यात और विख्यात या कुख्यात रहे हैं वही तृणमूल कांग्रेस सरकार के तरफ से अपराधियों का बचाव करने के लिए खड़े हैं। अब एकदम दूध दूध, का दूद पानी का पानी है कि गठबंधन के के सारे लोग एक दूसरे अपराधों पर, पर पर्दा डालने के लिए एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा पर पर डालने के लिए शुद्ध राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल दाध सही सही सवाल उठाया है और जूही सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी जूही सिंह जी अगर इस तरह के किसी भी प्रदर्शन में अगर वाटर कैनन टियर गैस लाठी चार्ज सब हुआ होता तो सबसे पहले विपक्ष क्या कहता कि भाई मोदी तो ताना है बिना ऐसा कुछ हुए भी यही कहा जाता है आज जब कोलकाता में ये सब हो रहा है तो आपके ये आवाज कहां चली गई है कपिल सिब्बल की जो बात उठाई सुधांशु त्रिवेदी ने क्या सब मिले हुए हैं क्योंकि एक साथ रहना है विपक्ष में एक अलायंस बनी हुई है तो आज उस इकतीस साल की ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर आपके होठ सिल गए हैं ना कोई जा रहा है कलकत्ता ना अखिलेश जी गए ना राहुल जी गए राहुल जी, राहु जी कहते हैं कि ये तो डिस्ट्रैक्शन है मैं सवाल पूछना चाहती हूं महिला के ऊपर अत्याचार होता है उसका रेप होता है उसका मर्डर होता है और जिस तरह से क्राइम सीन और जिस तरह से तमाम चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं क्या आज हमें शर्मिंदा होना चाहिए या हमें एक दूसरे पर यह सवाल उठाना चाहिए कि भाई कौन गुंडा है और कौन गोदी मीडिया है और कौन दलाल मीडिया है इस तरह के शब्द अगर वहां वाटर कैनन चल रहा है तो क्या मीडिया ना दिखाए विकर जी आपका बहुत ही निष्पक्ष पैनल हमेशा से रहा है बात आपसे ही शुरू करती हूँ कि महिलाओं के प्रति बलात्कार यौन हिंसा हरेसमेंट छेड़छाड़ इन सबके मामले बढ़े हैं जो कोलकाता में हुआ कार में हुआ निहायत शर्मशार है ये भी बात सही है आ, कि ऐसे मसलों पर बलात्कार महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा की कमी होती है उस पर संवेदनहीन और निर्मम बयान नहीं देने चाहिए टिप्पणी पर जरा सा कंट्रोल करना चाहिए मुझसे भी कभी ये गलती हुई उसके लिए मुझे बहुत खेद है लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मापदंड तो एक ही होना चाहिए कौन किस से मिला है ये प्रश्न नहीं है प्रश्न ये है कि आज सीबीआई के पास केस है सीबीआई तफ्तीश कर रही है आप पूरे घटनाक्रम को जो गुनाह हुआ उसको जरूर सुधांशु भाई पूरा रिकाउंट कर सकते हैं आ, आज कस्टडी में है इंटेरिगेशन हो रहा है और न्याय बच्ची को मिलना चाहिए उसके माता पिता को मिलना चाहिए प्रोटेस्ट और वाटर कैनन की बात हुई हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप बीएचओ की बात करें तो एक लड़की थी उसको निवस्त करके घुमाया गया सोशल मीडिया पे आने तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ फरुखाबाद में आज दो बच्चियों को पेड़ से लटका पाया गया अभी तक पुलिस यह नहीं पता पाई है कि हत्या है आत्महत्या एक कंफ्यूजिंग सिग्नल जा रहा है मापदंड है ना मापदंड एक बात करिए वाटर कैनन रोज तो उत्तर प्रदेश में आप वाटर कैनन चलाते हैं अगर कोई प्रोटेस्ट करता है अगर कोई नौकरी मांगता है अगर कोई आंदोलनकारी होता है तब आपके लिए आ... परिभाषा अलग हो जाती है वहीं पर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं क्योंकि सरकार उनकी है कोई किसी को तानाशाह कहे या न कहे ये तो सरकार की जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की जिम्मेदारी जैसे मणिपुर में थी वो भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां पर जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था इंटरनेट बंद था आपने दिखाया ये बात सही है मैं नहीं कहूंगी कि मीडिया ने नहीं दिखाया लगातार तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं नहीं बोले हाथरस कांड में ये विजिटिंग डिप्लोमेसी थोड़ा ही है बलात्कार है एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए निर्भया से अभिया तक हम पहुंच गए हैं कि कम से कम समय सीमा पे बच्ची को न्याय मिले परिवार को सुरक्षा मिले ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हमें विजिटिंग डिप्लोमेसी विजिटिंग डिप्लोमेसी नहीं है फारूखाबाद तो के बात करी सुधांशु त्रिवेदी जी विजिटिंग डिप्लोमेसी कोलकाता के केस में नहीं है लेकिन हाथरस के केस में तो थी सब गए थे ये कोलकाता में शायद वीजा की जरूरत पड़ती है इसीलिए शायद कोई विजिटिंग डिप्लोमेसी नहीं करना चाह रहा लेकिन तमाम सवाल जो उठाए हैं फारुखाबाद के मामले में इनका भी जवाब आना चाहिए देखिए, मैं एक बात पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति हुए अत्याचार और अपराध को लेकर कोई पार्टी ये दावा करे कि मेरी सरकार में नहीं हो रहा अमुक की सरकार में हो रहा यह विचार गलत है हमें इस विषय के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए मैं ये नहीं दावा करता कि हमारी सरकार में नहीं हो रहा इनके में हम ये कहना चाहते हैं प्रतिक्रियाओं से मानसिकता पता लगती है जैसे ये कहना कि उंगली तोड़ देंगे प्रदर्शनकारियों को ये मानसिकता है ये कहना कि वो लड़कियां जो कोलकाता में बैठे हुए हैं लड़के लड़कियां वो अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठे हुए हैं ये मानसिकता है अगर ममता जी की तरफ ज्यादा बात की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा ये मानसिकता है यद्यपि जूही जी का मैं सम्मान करता हूं उन्होंने वो बात अपनी खेद पहले ही व्यक्त कर दिया था अन्यथा इनका भी जो बयान वायरल हुआ था कि वो पंद्रह साल की लड़की शाम को क्या करने गई थी वो वो मानसिकता है और इनके नेता याद करिए आजम खान 2017 हजार सत्रह बुलंदचहर रेप जिसपे उन्होंने वो पहली ये कहा कि ये तो रेप हुआ ही नहीं ये तो बीजेपी का प्रोपोगंडा है और फिर सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे फटकार लगी अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी ये है मुलायम सिंह यादव का सबसे सीनियर मिनिस्टर्स में से एक थे उनका हंसते हुए यह कहना कि वो तो इसलिए होते कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है यह शर्मनाक मानसिकता है और जिस समय अशोक गहलोत बतौर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आधे से ज्यादा केस रेप के फर्जी होते हैं और फिर सत्तावन प्रतिशत का फिगर बताते हैं कि मैंने 57 परसेंट केसेस देखे हैं यह सकता है और जब कर्नाटक में कांग्रेस के ही नेता की बेटी नेहा हीरामत को चाकुओं से मार दिए गोद दिया जाता है उसके उपरांत भी कर्नाटक का मुख्य गृह मंत्री अपने नेता की बेटी का बचाव करने नहीं आता है उल्टा डिफेंड करता है वो गुस्से में उसने ऐसा कर दिया होगा दोनों के बीच में दोस्ती थी कारण जानते क्या है वोट बैंक के तराजू पे तोला जाता है बहुत सही बात कही लेकिन तौसीफ खान भाई तौसीफ खान भाई आज मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं इस सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन हुए हुए ना उस वक्त बैरिकेड भी लगाए जाते थे तो कहा जाता था आप किसानों को रोंधना चाहते हैं आज बंगाल में क्या हुआ है? आज बंगाल में जिस तरह से महिलाओं को घसीटा गया पुलिस द्वारा कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी महिलाएं महिलाओं को हैंडल मैन हैंडल करने वाले वहां मेल पुलिस ऑफिसर्स थे क्या यह कायदा है कंटेनर रख देना बीच में इस तरह से वहां पर वाटर कैन स्टीअर गैस और रबर बुलेट चलाना मैं पूछना चाह रही हूं बाकियों को जब आप कहते हैं कि तानाशाही चल रही है तो यह बंगाल में आज क्या चल रहा है और आज बीजेपी ने कहा है क्या पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का तो आप क्या जवाब देंगे क्योंकि झूठ और काफी इस पूरे मुद्दे में पिछले 19 दिनों से ये देश उबल रहा है बहुत से गैप्स हैं, बहुत से स्लिप्स हैं और बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं क्राइम सीन में मैं पूछना चाहती हूं क्या पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए नाविका जी ये बात बिल्कुल सही है कि आजी काल में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस पे सीबीआई की जांच भी चल रही है ममता बनर्जी ने पूरा समर्थन पहले से ही रखा है कि हाँ सीबीआई की जांच के आड़े वो नहीं आएंगे और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को अपना रिपोर्ट भी देना है कोलकाता तो पुलिस को भी अपना रिपोर्ट देना है तो जब यह मामला सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में है ये बीजेपी सड़कों में हंगामा क्यों कर रही है ये बीजेपी को किसने हक दे दिया कि वो कोलकाता पुलिस के ऊपर में पत्थर फेंके और सर फोड़ दे कोलकाता पुलिस के अफसर का पत्थर से तोड़ करके सर फो, फोड़ दिया रस्ते में जो है बैरिकेड्स को तोड़ना प्र, पब्लिक प्रॉपर्टीज को तोड़ना हंगामा मचाना ये बीजेपी को किसने हक दे दिया और वो ये कर रही है कहती है कि ये छात्र समाज है अर्जुन कपूर अ, अर्जुन सिंह बीजेपी के नेता सांसद भी रहे वो रास्ते में उतर हुए कह रही है छात्र समाज का प्रोटेस्ट चल रहा है भाई बीजेपी युवा मोर्चा संजय लायरी जो के प्रोग्राम कर रहे थे जो के मीडिया को संबोधित कर रहे थे आज के प्रोग्राम को लेकर के वो युवा समाज के मोर्चा बीजेपी के युवा समाज के सदर वर्कर है बीजेपी के और वो कह रहे कि ये छात्र समाज का पीसफुल प्रोटेस्ट है ये कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट है कि बीजेपी जब सड़कों में उतर रही तो क्या कि हम झंडा लेकर के बीजेपी का ये प्रदर्शन है वो कहे करके उन्हें किस बात की डर है और वो कहे कि वो बंगाल में चुनाव तो हार गए जनता के वोट से चेयर नहीं पा सकते लेकिन इस तरह के उपद्रव मचा करके चेयर तो हासिल करना चाहते जनता ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया अभी हाल में चुनाव हुए जनता अच्छा ने बीजेपी को वोट ये नहीं दिया इन्वेस्टिगेट किए बिना आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता थे लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी सवाल ये है कि क्या आप ममता सरकार को गिराना चाहते हैं क्या आप कुर्सी पाना चाहते हैं महुआ मोइत्रा का भी यही कहना बहुत हद हो गई आप तौसीफ खान साहब ने जिस प्रकार की बात कही एक तो ये तीनों दल देखिए कितना अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ये सब कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट का कांग्रेस और कम्युनिस्ट से कोई मतलब नहीं है तृणमूल कह रही है कि भाजपा से मतलब है, जबकि वो वास्तविकता में छात्रों का तृणमूल मतलब हो हो कांग्रेस का का की घटना पे जानकारी के बगैर तो आरोप लगा रहे हैं और कश्मीर में सैकड़ों सैकड़ों पत्थर चलाए जाते थे जब आर्मी के ऊपर तो कहते थे भटके हुए नौजवान पर सबूत अवेलेबल है पैसे देने के पत्थरबाजी की जाती थी और धारा तीन हटने के बाद वो पत्थरबाजी बंद हो गई शर्म आनी चाहिए कि उस पत्थरबाजी का खुलेआम समर्थन करने वाले लोग और जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी और पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या भी कर देती थी तो ये लोग कहते थे भटके हुए नौजवान हैं और आज दुख की बात है कि उस लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए उस लड़की के न्याय की रक्षा के लिए डॉक्टर की रक्षा के लिए आए हुए भीड़ के ऊपर ये राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं इससे साफ हो गया कि इनके लिए ये चुनाव और राजनीति का विषय है इसीलिए मैं आपको पूरे ईमानदारी से कहता हूं कांग्रेस कम्युनिस्ट और ये इंडी गठबंधन सपा वाले सब मिले हुए हैं कपिल सिब्बल का वहां पर खड़ा होना इसका प्रमाण है और ये सिर्फ कर रहे राजनीति ये कर रहे हैं ईमानदारी से विरोध सिर्फ हम कर रहे हैं तौसीफ खान तौसीव खान सवाल यह है कि ये ये पाकिस्तान टाइप के कंटेनर भी आप ले आए हैं ये तो कभी किसान आंदोलन में भी नहीं दिखे थे मैं पूछना चाहती हूं अब कोलकाता में पाकिस्तान टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है और ये विजुअल्स देखिए इसमें भर भर के लोगों को लॉक करना था क्या नहीं देखिए नाविका जी किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था और उसकी तुलना आज की जो कॉन्स्पिरसी आज की साजिश रही है बीजेपी से उससे बिल्कुल भी कतई भी नहीं कर सकते किसान आंदोलन में हमारे किसान भाइयों ने अपने जान गवाए उनके लिए रास्ता में बड़ा बड़ा इन लोगों ने कील लगा दिया था उनके लिए क्या क्या इन लोगों ने इंतजाम किया था आज ममता बनर्जी के पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाया हालांकि इनका वीडियो वायरल है बीजेपी के लीडर यहाँ पर भी एक लड़की की जान गई है यहाँ पर भी एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ है उसका कत्ल हुआ है और पूरा आज क्राइम आज सीन पूरा क्राइम सीन बर्बाद कर दिया गया है और प्रिंसिपल को बचाया जा रहा था संजय रॉय पुलिस कमिश्नर के बाइक पे घूम रहा है पुलिस का वो आदमी है और आप कह रहे हैं कि ये ये आंदोलन आपको छोटा लगता है एक महिला के लिए इंसाफ के लिए अगर आंदोलन होता है तो आपको आंदोलन ये आंदोलन छोटा आंदोलन लगता आंदोलन है का हिस्सा मैं भी हूं नाविका जी कल कल फिर से हमने प्रोटेस्ट मार्च किया मैं खुद था शामिल हमारे कॉलेज के एलुमनाई बॉडी ने प्रोटेस्ट किया था पीसफुल प्रोटेस्ट था आज का जो ये प्रोटेस्ट है बीजेपी का ऑर्गेनाइज किया हुआ बीजेपी का षड्यंत्र रचाया हुआ और वीडियो में भी ये कह रहे आप, कि चाहिए सरकार ममता जी, 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 जी का प्रोटेस्ट ममता ममता जी जी का का डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आप ही कर लीजिए बाकी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है इंसाफ का भी मिलना नहीं है और कमरुज कमरुजमा चौधरी कमरुज कमरुजमा चौधरी आपकी आवाज को क्या हो गया है लड़की हूं लड़ सकती हूं को क्या हो गया है और संविधान बचाने वालों का आज क्या हाल हो गया है कि ये डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट का राइट है जो उसकी बात करते हैं आज चुप हैं बिल्कुल नहीं नाविका जी हम सड़कों पे डे वन से थे आज भी है कल हमारा प्रोटेस्ट रैली भी है 29 तारीख को भी अधीर रंजन चौधरी का प्रोटेस्ट रैली है लेकिन आज का जो मैं सुधांक्षी जी का एक बात पे मैं टिप्पणी देना चाहता हूं जिन्होंने उन्होंने हम पे एग्जाम लगाया मानसिकता का उस वक्त उनका मानसिकता क्या हो रहा था जब प्रज्वल रवन्ना के साथ में प्रधानमंत्री खड़े होकर उसका वाहवाही कर रहे थे उस वक्त उनका मानसिकता था जब सिंह ऊपर गैर बहुत गंभीर आरोप लगाया गया मुझे लगता बीजेपी उसके साथ दे रहा था जब बाबा राम रही जब प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े थे तब तक आरोप नहीं था आरोप बाद में निकला और इंटरव्यू चुनाव से पहले के इंटरव्यू में यह सवाल मैंने मैंने पूछा था प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने इसका जवाब भी दिया था कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होगा लेकिन लेकिन, लेकिन लेकिन टाइमलाइन आपके लिए जरूरी नहीं है तथ्य आपके लिए जरूरी नहीं है और और सुधांशु जी सुधांशु जी आप अगर आंदोलन करें तो सारे आंदोलन बीजेपी के हालांकि एस का भी नाम आया है छात्र बॉडीज का जो वामपंथी वाले हैं अब मुझे पता नहीं कि वामपंथी आजकल बीजेपी के साथ हो गए हैं और दूसरी तरफ गोदी मीडिया दलाल मीडिया कोई आवाज उठाए तो बस वो दलाल क्या ये तानाशाही नहीं है आ, आ, वैसे देखिए कौन मीडिया किस चीज का मैं इस शब्दों से परहेज करता हूं दलाल वगैरह वो लोग शायद भूल गए होंगे दस बारह साल पहले के राडिया टेप याद है जब मीडिया के कुछ पत्रकार तय करते थे कि किसका मंत्रालय क्या होना चाहिए कौन मंत्री बनना चाहिए और फिर ये कहा था तो नहीं नहीं ये टेलीकॉम इसके लिए ठीक रहेगा फिर हम इसके लिए बात करेंगे भूल गए क्या इसलिए वो मत बताइए और पूरा पचास साठ साल की हिस्ट्री है KGB के जी के आर्काइव से लेके सी के आर्काइव तक कि कौन मीडिया किसके लिए क्या काम करता था आज भी मैं किताबों के नाम गिना सकता हूं मित्रोकिन आर्काइव के जी बी द वर्ल्ड पार्ट टू से लेके लेकेटस की किताब स्टेट विद इन स्टेट से लेके यूरी बैजवनेव की बात से लेके और नटवर सिंह की किताब जो इनके विदेश मंत्री रहे उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनअ में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार में किस तरीके से अमेरिका और उनका हस्तक्षेप था छोड़िए उस विषय के ऊपर तो पूरे देश को पता है अगर कोई जरा भी सर्च करना चाहेगा कौन सा मीडिया किसके द्वारा गवर्न हो रहा था पर यहां पर विषय इस बात का है कि उस लड़की के साथ न्याय अन्याय और की बात को लेकर किस प्रकार से आप लोग वितंडावाद करते मैंने मानसिकता की बात कही प्रज्वल रवन्ना के विषय जब तक आया ही नहीं था जब प्रधानमंत्री ने रैली की और जब विषय आया तो कर्नाटक की सरकार का एक नोटिफिकेशन दिखाई है एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि उसको रोकना है चैलेंज से कहता हूँ श्रुति का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है पंद्रह अगस्त की रात को जो दंगाई आरजी कर में घुसे थे उनके खिलाफ ममता जी के ये वाटर कैनन और ये टीयर गैस कहा चले गए थे मनोज का दिल्ली से सवाल है ममता बनर्जी का आज का रवैया तानाशाही नहीं तो और क्या है बीजेपी का आरोप गलत कैसे है नरेश सक्सेना का कानपुर से सवाल है ये ममता सरकार को पहले से कैसे पता चल जाता है कि एक दिन बात कहाँ कैसी हिंसा होने वाली है चाहे रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती या अब नबन्ना प्रोटेस्ट जब इन्हें पता है कि हिंसा की स्थिति बन सकती है तो ये उसे रोक क्यों नहीं पाते ये सवाल पब्लिक जो है वो सब समझ रही है नरेश सक्सेना का, का कानपुर से एक और सवाल है कि ये रोकते क्यों नहीं है इस तरह के प्रोटेस्ट जो उस डॉक्टर बिटिया के लिए हो रहे हैं ये आज सवाल जो उठाए गए हैं ये सवाल हमारे जहन में हमारे जहन में गूंजते रहेंगे मुद्दा ये नहीं है कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है कौन राजनीति कर रहा है मुद्दा ये है कि डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ होगा तो कैसे और कब और क्या अगर छात्र बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करें तो उन पर टीयर गैस वाटर कैनन और बैरिकेड्स और कंटेनर से उन्हें रोका जाएगा क्या यही है इस देश का लोकतंत्र यह सवाल आज ममता बनर्जी से आज बस इतना ही अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और अब आज की एक दूसरी डिबेट योग